केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रांची में कहा कि एनआरसी को देश भर में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कोई भी देश बाहरी लोगों को अपने देश में प्रवेश नहीं करने देता है तो भारत में बाहर के लोग कैसे रह सकते हैं। वहीं असम में जारी हुई एनआरसी की फाइनल लिस्ट में से लाखों लोगों के नाम बाहर हो जाने पर शाह ने कहा कि इन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एक और मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया एनआरसी पर फैसला ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जाएगा। ऐसे में जिन्हें परेशानी है वे लोग ट्रिब्यूनल के पास जाकर अपील कर सकते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि जो लोग अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत देश से बाहर कर दिया जाएगा। भारत के नागरिकों का एक रजिस्टर होना वक्त की आवश्यकता है, ऐसे में इसे देश भर में लागू होना चाहिए। अमित शाह ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि हमें चुनावी घोषणा पत्र में एनआरसी लागू करने का वादा किया था जिसे बीजेपी पूरा कर रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।